पुरानी मस्जिदों में से एक मस्जिद है। आज से लगभग 500-600 साल पहले ये जो है जो दौर था लोधी वंश उस समय की ये मस्जिद है। इस उस समय यहाँ पर ईंट का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि ये यमुना से निकलने वाले पत्थर को ईंट की शक्ल में तराश के उससे ये मस्जिद बनाई गई। और लोग ये यकीन रखते थे कि मस्जिद जन्नत में सीधी जाएगी, तो इंतकाल के वक्त वो उसको एक छोटी सी मस्जिद बना तो ये दिए। मस्जिद का दर है। और ये मस्जिद का दर है, और आप देख रहे हैं इसमें कितना 500 साल से टिकने की वजह क्या है इसकी। ये मोटे मोटे ये बनाए गए हैं, इसके दो पिलर, इसके सपोर्ट से ये मस्जिद। और आप इसकी ईंटें देख लें तो ईंट नहीं है कहीं पर, ये सब पतली पतली ये जो पत्थर है ये लगाए गए हैं यहाँ पर। और ये मस्जिद है, ये इतनी छोटी सी मस्जिद है, ये आप देखें, ये सिर्फ इतनी छोटी सी मस्जिद है। ये उस दौर की मस्जिद है जब नमाजी और लोग बहुत कम हुआ करते थे, और बड़ी वीरानी सी रहती थी। उस ज़माने की मस्जिद है जो इतने लोगों के लिए काफ़ी थी। आज के दौर में बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें आपने देखी होंगी, लेकिन इतनी छोटी मस्जिद। इस तरह करबला कालपी के करबला शरीफ में बहुत सारी मस्जिदें आप इस तरह देखने को मिलेंगी जहाँ 4 से 8 लोग ही खड़े हो सकते हैं। और लोगों ने इस अकीदत के साथ इनको बनाया कि ये मस्जिद सीधा जन्नत में जाएगी, तो वहीं अपनी मज़ार भी बनवा ली ताकि वो भी सीधे जन्नत में जा सकें।